इट्स सोनल हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो होगा इस मेकअप लुक पे बेस्ड। ये एक इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप लुक है, बहुत जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है, और आप इजीली इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी ये लुक पसंद आ रही है, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऑलरेडी मैंने अपने फेस को प्रेप कर लिया है, तो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज किया है ये क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च क्रीम, और ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग क्रीम है, बहुत ही अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है। तो नेक्स्ट हम अपने फेस को प्राइम करेंगे। सो प्राइमर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये लैक्मे का 9 to 5 ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर, और इसे मैं टी जोन पे लगाते हुए अपने ऑल ओवर द फेस पे स्प्रेड कर लूंगी। नेक्स्ट हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ बेटर वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, और इसमें मेरा शेड है ब्रॉन्ज बेस। और इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। सो नेक्स्ट मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ही कंसीलर, और इसमें मेरा शेड है लाइट मीडियम बेस। अपने हेयर के एंड तक ले जाते हुए, ताकि बहुत ही नेचुरल फिनिश आए। ईयर्स और नेक को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, मेकअप इससे इवन लगता है। फिर अब हम इसे सेट कर लेंगे, तो सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फिटमी का कॉम्पैक्ट। बेस इज कंप्लीटली स्ट्रेट। नेक्स्ट हम करेंगे आईब्रो, तो उसको करने के लिए मैं एज यूजुअल यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्रो किट, और इसमें से मैं ये सेट लेकर अपने आईब्रोज को फिल इन कर लूंगी। सो नेक्स्ट हम करेंगे आई मेकअप, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेकअप रिवोल्यूशन का टैमी एक्स रिवोल्यूशन ट्रॉपिकल कार्निवल आई शैडो पैलेट। मैंने एक सेपरेट रिव्यू वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो अब तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे और अगर देखना चाहते होंगे, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर आई बटन में होगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं इस लुक को बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ। तो मैं क्या करूँगी, ये जो पिंकिश शेड है, लाइट पिंकिश शेड जो है, इसे मैं अपने क्रीज पे प्लेस करूंगी, ये वाले शेड को रिमूव द एक्सेस, और हल्का हल्का करके कलर बिल्डअप करना चाहिए, एक ही बार अपने क्रीज पे डायरेक्ट कलर ज्यादा नहीं अप्लाई करना चाहिए। मैं दूसरी आई में भी करूंगी,
फ्रीज हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये ब्रॉन्ज सा जो सेड है, ये ब्रॉन्ज सा सेड है, इसे मैं अपने आईलिड पे प्लेस करूंगी, अपने फिंगर से ही प्लेस करूंगी। वाओ, प्यारा लग रहा है। प्लेस करने के बाद मैं फिर ब्रश के हेल्प से इसे शेप दे रही हूँ, क्योंकि ब्रश से फिर अच्छे से शेप आ जाता है। ये आई मेकअप हो गया हमारा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यूज कर रही हूँ ये प्लम का काजल। मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ उन सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और हो गया हमारा, नेक्स्ट हम मस्कारा लगाएंगे। तो मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का लेस सेंसेशनल मस्कारा। क्रीज पे जिस कलर को लिया था लाइट पिंक कलर को, इसे मैं अपने लोअर लेस लाइन पे भी प्लेस करूंगी। और जो भी फॉल आउट हुआ है उसे हम क्लीन कर लेंगे। मेकअप कंटिन्यू, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फेस पैलेट, और ये है फेसेस कनाडा का अल्टीमेट प्रो पैलेट, और इसमें मेरा शेड है फ्रेश। रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, अब तक आप लोगों ने उसे भी नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये बहुत कंटूरिंग, तो उसके लिए मैं ये वाला शेड यूज करूंगी। कर लेते हैं तो ये बहुत ही प्यारा सा पिंकिश मॉविस कलर है। बहुत ही प्यारा सा पिंकिश कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर। सो नेक्स्ट हम करेंगे हाईलाइट, तो हाईलाइट करने के लिए मैं इसी से हाईलाइट करने वाली हूं। मैं यूज कर रही हूँ ये लैक्मे का 9 to 5 लिपस्टिक लिप एंड चिप कलर, एंड इसमें मेरा शेड है प्लम फेदर। लेंगे तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। गाइस आप देख सकते हो विद दिस झुमका,
एंड वन सिल्वर बिंदी, और बिंदी के बिना तो ये इंडियन मेकअप लुक कंप्लीट नहीं होने वाला। सो होप आपको मेरी ये लुक, मेरी ये वीडियो पसंद आए और आप लोगों को अच्छी लगे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो आप लोगों को क्या करना है, एज यूजुअल मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मुस्कान हैप्पीनेस को, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं हो। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।